आर्टिकल 112 जो कि बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसको ही हम लोग बजट मानते हैं। इस बजट को प्रति साल पार्लियामेंट में टेबल करने का काम होता है फाइनेंस मिनिस्टर का। फाइनेंस मिनिस्टर प्रतिवर्ष बजट के लिए टेबल करते हैं पार्लियामेंट में और जानकारी देते हैं कि एक साल में आय और व्यय का ब्यौरा क्या रहा। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारे देश को बताते हैं कि एक साल में भारत ने कितना खर्च किया और भारत को कितनी आय हुई, इसी को हम कहते हैं बजट। तो यहाँ पे एक बात निकल के आई कि बजट है आय व्यय का ब्यौरा, ठीक है ना। यानी कि बजट क्या है, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, एक साल के अंदर भारत ने कितना खर्चा और कितना कमाया, इसका एक ब्यौरा होता है, एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बजट। आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि प्रतिसाल बजट को पेश करना कंपलसरी है। आपको याद रखना है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। बजट शब्द की जगह पर एक शब्द डाला गया है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो क्या शब्द पड़ा हुआ है, शब्द है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके लिए बजट के लिए पेश करना जो है वो प्रतिवर्ष कंपलसरी होता है। हमारे भारत देश में पहले बजट लास्ट वीक ऑफ फरवरी में टेबल किया जाता था, लेकिन जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से ये जो बजट है ये टेबल किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपको जरूर जरूरी बातें बताई। सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बजट क्या होता है, ठीक है। तो बजट क्या है, जैसे हम लोग अपनी फैमिली का बजट बनाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कितनी हमारी स्पेंडिंग्स हैं, हमने कितने खर्च किया और कितना हमें मिला, ठीक है ना। कितना हमने दोस्तों यहाँ पे हमें मिला, तो कितना हमारी स्पेंडिंग हुई और कितना हमें मिला, तो इस लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का एक बजट बनाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा देश होता है वह भी अपना बजट बनाता है। बजट में वो यह लिखता है कि हमारे लिए कितना जो है अगली साल के लिए खर्च करना है और किन किन पॉलिसीज़ के ऊपर हमें खर्च करना है, लास्ट ईयर हमने कितना खर्च किया और कितना हमारे के लिए प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इन सब के बारे में चर्चा की जाती है बजट के अंदर। तो आपसे कोई पूछे कि बजट क्या है, तो आपसे कहोगे आय व्यय का जो ब्यौरा होता है उसी को हम कहते हैं बजट। तो बजट क्या है, आय व्यय का ब्यौरा, इस कॉल्ड बजट। यानी कि एक साल के अंदर हमने कितना आय की, कितना कमाया, ठीक है ना, और कितना हमने एक साल में खर्चा किया, ये कहलाता है हमारे पास बजट। तो बजट शब्द आपको ध्यान में आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिखाने वाला हूँ बजट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट है आय व्यय का ब्यौरा, आपकी याद रखना। दूसरा क्या है, ये जो बजट शब्द है ये फ्रांस का एक वर्ड बजटी उससे लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लेदर का बैग। आपने हमेशा देखा होगा जो हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जब बजट को पेश करते हैं तो उनके पास एक लाल रंग का लेदर का बैग होता है जिसमें बजट के डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। तो यहाँ पे जो बजट है उसका मीनिंग होता है बजटी, और जिसका मतलब होता है लाल कलर का बैग या फिर सिर्फ लेदर का बैग, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। हालांकि इस बार हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक लाल बैग का उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक रजिस्टर का उपयोग किया, जैसा हम लोग जनरली अकाउंट बनाते हैं रेड रजिस्टर में, उस टाइप का एक रजिस्टर था उसका उपयोग किया। लेकिन इससे पहले आप देखोगे तो हमेशा से ही एक बैग का उपयोग किया जाने लगा जो कि चमड़ा का बैग होता है जिसका रंग लाल होता है। तो आई होप आपको पहली लाइन बिल्कुल क्रिस्टल लाइन क्लियर होगी। दूसरी लाइन पे चलते हैं। बजट सबसे पहले हमारे भारत में पेश किया गया 7 अप्रैल 1860 को, जो कि पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन जो थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे उस समय भारत के जो वायसराय थे उनके। अब आप बता सकते हो 1860 पे कौन वायसराय थे भारत के, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा भी इसको 1857 की क्रांति से कोरिलेट करें तो आप आराम से बता पाएंगे कि 1860 में वायसराय इंडिया के कौन थे। 1860 में वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, और इनके ही जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनका नाम था जेम्स विल्सन,
और इन्होंने ही पहली बार हमारे भारत में बजट को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा है हमारे पास पॉइंट जो कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तीसरा पॉइंट है बजट जो है वो आर्टिकल 112 में दिया हुआ है, हालांकि शब्द बजट एज इट इज़ नहीं दिया गया है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा हमारे पास यहाँ पे है, ये है हमारे आज़ाद भारत का जो सबसे पहला बजट पेश किया गया। मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया जिसमें मैंने विल्सन की बात की, तो विल्सन जो कि लॉर्ड कैनिंग के दोस्तों फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने जब 1860 में हमारे भारत का बजट पेश किया तो उसमें भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ाद भारत का जो सबसे पहले पेश किया गया बजट वो था आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा, और ये किया गया 26 नवंबर 1947 में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, आप देखिए पांचवा पॉइंट लिखा है वहाँ पर, मोरारजी देसाई जी जो थे वो हमारे भारत के दो बार फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने दो बार जो है वो बजट को पेश किया और दोनों ही बार जो है इनका बर्थडे था। मोरारजी देसाई वॉज द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर टू हैव द पॉलिसी टू प्रेजेंट टू बजट ऑन हिज बर्थडे 1964-1968, ठीक है। तो ये एक अकेले ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने दो बार बजट पेश किए अपने ही जन्मदिन पे। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर होगा। तो पांचों पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला पॉइंट, बजट जो शब्द है वो फ्रेंच के ब्रिटिश से लिया गया जिसका तो होता है लाल रंग का बैग, ठीक है। अब हिंदी भाषी भाई मेरे टेंशन ना ले, मटेरियल इंग्लिश हिंदी दोनों में है। दूसरा, बजट जो है उसको पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया गया 7th अप्रैल 1860 को बाय जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन आज़ाद भारत के तो नहीं, लेकिन जब हमारा भारत जो था कैद में था इंग्लैंड के, उसके फाइनेंस सेक्रेटरी थे और ये आते थे लॉर्ड कैनिंग वायसराय के अंडर में। बजट जो है दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, बजट जो शब्द है वो आर्टिकल 112 में दिया गया है एस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हालांकि बजट पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया, लेकिन हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बजट मानते हैं। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है, यूनियन जो बजट है हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहले प्रेजेंट किया गया आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 के लिए। मोरारजी देसाई ने दो बार अपने बर्थडे पर ही बजट को पेश किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको एक बार रिवाइज होना चाहिए अच्छी तरीके से। इन में से चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला 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 हो, आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। चलो तो आगे चलता हूँ आपको हिंदी में लेके, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर व्यवस्था है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग आपके साथ में। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, बजट फ्रेंच शब्द बजट का टर्मोलॉजी है और फ्रेंच शब्द में इसका मीनिंग है लेदर का बैग। जेम्स विल्सन द्वारा 7 अप्रैल 1860 को भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई। जेम्स विल्सन जो थे वो भारतीय लॉर्ड कैनिंग के वित्त मंत्री थे। क्या थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके कौन थे दोस्तों? ये वित्त मंत्री थे, ठीक है, वित्त सचिव थे। बजट को भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया है। चौथा पॉइंट हमारे पास, स्वतंतर भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के सम्मुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला है, मोरारजी देसाई एकमात्र वित्त मंत्री थे जिन्होंने 1968 के अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने का अवसर मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे जितने पॉइंट हैं एक बार आप लोग सारे देख लीजिए अच्छी तरीके से, आंखों से निकाल लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो उनमें तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी दिक्कत होगी उसको दोस्तों एड्रेस कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा दैट्स अनदर मैटर, तब तो आपके लिए मैं कहूंगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो है इन वीडियोस को दोस्तों जरूर से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, जरूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या, इससे आपका भी फायदा हो दोस्तों, मेरा ही फायदा होगा, विन-विन सिचुएशन होगी। अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, तो हम आपके लिए वीडियोस आगे भी ले पाएंगे, लेके आ पाएंगे, काम कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों जब मोटिवेशन नहीं मिलेगा काम करने का, जब ना लाइक होंगे ना शेयर होंगे, तो हमारा भी दोस्तों मोटिवेशन नहीं होगा, हम भी फिर वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, जिससे हो सकता है आपका घाटा हो जाए, ठीक है। हमारा तो है ही है, लेकिन आपका भी दोस्तों इसमें घाटा हो सकता है, ठीक है। अब चेंजेस इंट्रोड्यूस इन 2017, देखिए जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट आती है ना 14 में, तो वैसे ही वो कुछ चेंजेस करती है हमारे इस पूरे सिस्टम में, बजट वाले सिस्टम। देखो पहले क्या होता था, रेल का बजट और दोस्तों पूरे इंडिया का बजट, ये दो अलग अलग बजट थे, ठीक है, रेल बजट और यूनियन बजट, ऐसे करके दो बजट पेश हुआ करते थे। एक कहते थे रेल बजट, दूसरे को क्या करते थे हम लोग यूनियन बजट। लेकिन सन 2017 में क्या किया गया, इन दोनों बजटों को हमने मिला दिया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सन 2017 में जो बदलाव किया गया बजट में वो ये था
कि हम पहले फरवरी के लास्ट वीक में पेश करते थे बजट को, लेकिन अब हमने क्या सोचा, अब हम लोग जो पेश करेंगे बजट के लिए वो फरवरी के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना, फरवरी का जो पहला वीक होगा उसके अंदर हम बजट को पेश करेंगे। एक बात और, यहाँ पे बजट किस तरीके से आपका लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, क्या पावर है लोकसभा की बजट को लेके, क्या राज्यसभा को लेके पावर है, किस तरीके से इस पर वीटो, क्या चीज़ें हैं सारी, तो मैं आपसे सारी की सारी बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब। बजट का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, ठीक है ना, जो पूरा संवैधानिक इसका दोस्तों हिसाब किताब है, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँगा तब, ठीक है। अभी बस मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितना आपको यहाँ इकोनॉमी के एंगल से जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो तीन पॉइंट के बारे में बात की, देख लेते हैं एक बार। हमारे यहाँ पे पहले बजट पेश होता था 1 फरवरी के लिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको पेश करना स्टार्ट कर दिया फरवरी के फर्स्ट वीक में। पहले होता था फरवरी के लास्ट वीक में, लेकिन अब होने लगा फरवरी के फर्स्ट वीक में। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत की उन्नति पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत होता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द जनरल बजट, तो जनरल बजट और हमारे पास जो रेलवे बजट था उन दोनों को मर्जर कर दिया गया और एक बना दिया गया यूनियन बजट, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है आगे समझाऊंगा, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर आप जानते ही हो, अगर मुझे एक एसी लेनी है, ठीक है, मुझे एक बाइक लेनी है, तो मैं पहले से ही विचार कर रहा हूँ उसके लिए, पहले से पैसे जोड़ रहा हूँ, तो ये क्या प्लान एक्सपेंडिचर है। लेकिन भारत देश के अंदर भी कोरोना आ रखा है, तो इसके लिए हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ पर काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने पहले सोचा था कि हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, लेकिन ज़रूरी है इसलिए हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये होता है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। 2017 में हमने क्या किया कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, पहले एक था पूरा, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया। अब देखो गवर्नमेंट बजट कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो बजट होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो इस टर्मोलॉजी को भी हम लोग समझेंगे बहुत ही आराम से, बहुत ही शिद्दत से। तो देखो दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं बैलेंस बजट और दूसरे को दोस्तों हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं आपका अनबैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए अगर मैंने जितने की कमाई की एक साल में, ठीक है ना, अगर उतनी मैंने एक साल में खर्च कर दिया, तो ये बजट मेरा कैसा कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा बैलेंस बजट। मान लीजिए मैंने एक महीने में 100 रुपये की कमाई की और मैंने 100 रुपये ही खर्च कर दिए, तो ये क्या है, मेरा बैलेंस बजट। लेकिन अनबैलेंस बजट क्या है, अगर मैंने 100 रुपये की कमाई की और मैंने खर्च कर दिए दोस्तों 102 रुपये, तो ये क्या है, अनबैलेंस बजट है। या फिर मैंने 100 रुपये की कमाई की और खर्चा किया मात्र 92 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा मैंने कम किया या फिर बढ़ती किया, तो ये होता है आपका अनबैलेंस बजट। यानी कि मैं कमा रहा हूँ 100 रुपये, खर्च कर रहा हूँ 98 रुपीज़ या फिर 102 रुपये, ठीक है, मतलब ज़्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस बजट भी आपका दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सरप्लस बजट और दूसरे को कहते हैं दोस्तों यहाँ पर डेफिसिट बजट। अब ये क्या होता है, देखिए अगर भारत देश को 100 रुपये की कमाई हो और भारत आपका दोस्तों सिर्फ खर्च करे 98 रुपये, तो उसको कहेंगे हम लोग सरप्लस बजट, ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 रुपये बच गए, हमें किसी तरीके के किसी घाटे से गुजरना नहीं पड़ा। लेकिन आप सोचो अगर कमाई हो 100 रुपये और आप खर्च कर दो 105 रुपये, तो वो 5 रुपये तो आपको पता ही, आपको लोन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी, आपके ऊपर एक देनदारी बन जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा घाटा कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, हमारा घाटा। तो अनबैलेंस बजट आपके दो प्रकार के होते हैं, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट आपके वो बजट हो, डेफिसिट बजट का मीनिंग होता है भारत सरकार को 100 रुपये की कमाई हुई और खर्चा कर दिया उसने 105 रुपये, और हमारे भारत में यही होता है, गवर्नमेंट इतने सारे वादे कर देती हैं, ठीक है ना, जनता के सामने, जिसके लिए उनको चाहिए होता है पैसा, और वो फिर बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, वो ये देखते ही नहीं है कि चाहे हमें घाटा हो, यानी कि 100 रुपये कमाई है और खर्च कर देते हैं 110 रुपये, इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं रहती, ठीक है ना, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हिसाब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार देखो फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट दो बजट होते हैं। बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार के पास अगर 100 रुपये आए हैं और सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है, तो ऐसे बजट को हम कहते हैं बैलेंस बजट। दूसरे हाथ पे अनबैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार के पास आए तो 100 रुपये,
फिर वो खर्च करे 102 या फिर 98। इसी तरीके से इसी बिहार पे हमने अनबैलेंस बजट को दो प्रकार में बांटा है, सरप्लस बजट यानी कि सरकार के पास आए 100 रुपये और वो खर्च करे मात्र 95 रुपये, डेफिसिट बजट ऐसा बजट जिसमें सरकार के पास जितने रुपये आए उससे वो ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। ओके, बहुत डिस्कशन हो गया, आई होप आपको सामने आ गई होगी बात। अब यहाँ पे तीन टर्मोलॉजी है, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों, एक इस तरीके का खर्चा होता है ना जो सरकार पहले से सोच लेती है कि मेरे को खर्च करना ही करना है। जैसे 5-year planning मैं पढ़ा था, 5-year planning उसमें मैंने क्या कहा, सरकार पहले से सोच लेती थी कि अपने को 5 साल में इतना पैसा फ्यूचर के लिए खर्च करना ही करना है, ठीक है ना, हमें 5 साल में इतना रुपया जो है वो खर्च करना ही करना है, हमारे को 5 साल के अंदर हेल्थ सेक्टर पे इतना पैसा खर्च करना है, हमारे को 5 साल में इंडिया से टीवी को भगाना है। ओके, तो ये सब प्लान एक्सपेंडिचर है। मैंने सोचा कि मुझे टीवी को भगाना है, इसके लिए कुछ आवश्यक मेडिसन्स आती हैं, उन मेडिसन्स को अगर मुझे भारत में लाना है तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो मैंने पहले से प्लान बना लिया, चलो ठीक है मैं ऐसा करूँगा। जैसे आप स्टूडेंट हो, अब आप लोग पहले से प्लान बना लेते हो कि मुझे अब इस बार, अभी मेरा क्या हो गया 12th हो गया, अब मैं आगे करूंगा दोस्तों बीकॉम, ठीक है ना, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। तो जो लोग रिचेस्ट लोग होते हैं वो एक अच्छा कोर्स कर लेते हैं क्योंकि उनका पैसा होता है, और जो थोड़े से मीडियम एवरेज के होते हैं वो दोस्तों आपका कोई मीडियम एवरेज कोर्स कर लेते हैं, जो गरीब तबका होता है दोस्तों कोई छोटा कोर्स कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लान एक्सपेंडिचर मैंने पहले से ही सोच लिया कि सर मुझे IIT करनी है, ठीक है ना, तो मैं पहले से ही क्या करूंगा दोस्तों, अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन को तैयार करके रखूंगा। तो समझ आया प्लान एक्सपेंडिचर क्या है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अचानक से स्थितियां उत्पन्न हो गई कि मुझे पैसे खर्च करने पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि आपका आप लगा लीजिए कोरोना का केस, कोरोना केस में तो यही हो रहा, कोई गवर्नमेंट सोचा थोड़ा ना था गवर्नमेंट को इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फूड ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है ना, PDS के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत हम तक अनाज पहुंचता है, गरीब भाई तक गेहूं पहुंचता है, सस्ता चावल पहुंचता है, अभी तो चना भी मिल रहा है, तो ये किस में आता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। जब कोई ऐसी कंडीशन बन जाए इसको इंडिया को टैकल करना हो तुरंत, तो इंडिया ऐसा खर्चा करती है इसे कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये हिंदी में रहा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं दोस्तों बजट के कंपोनेंट के, बजट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखो गवर्नमेंट का जो बजट होता है सब दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, एक भाग को कहते हैं रेवेन्यू बजट, दूसरे को कहते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल बजट को फर्दर दो पार्ट मारते हैं, कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट को फर्दर दो पार्ट मारते हैं दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम दो पार्ट मारते हैं दोस्तों, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू दोस्तों फिर से दो पार्ट मार देंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार मैं आपको पूरा इसी चार्ट के अंदर समझा देता हूं कि कौन कौन सा कंपोनेंट, आप समझ गए, गवर्नमेंट पे दो प्रकार का, दो कंपोनेंट गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसको दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। अब जो कैपिटल बजट है उसके भी दो कंपोनेंट हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट के दोस्तों भी दो प्रकार हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो प्रकार हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के भी दो प्रकार हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गवर्नमेंट बजट में हमने एक तरफ रखा रेवेन्यू बजट, एक तरफ रखा कैपिटल बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में दो टर्म आपके पास आएंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार समझ लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट किससे कहते हैं। देखिए अगर सरकार के पास कोई पैसा आए और इस तरीके से आए जिससे कि उसकी जो एसेट्स हैं उनके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, एसेट समझते हो ना आप लोग, जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है ना, मैं मान लीजिए बहुत छोटा मान लीजिए मैं पकौड़ा बनाता हूं, ठीक है, मेरी कंपनी है पकौड़ा बनाने की, तो उस पकौड़ा बनाने की कंपनी में क्या क्या दोस्तों एसेट्स होंगे, एसेट उसमें क्या क्या होगा दोस्तों, कुछ हमारे पास भट्टी वगैरह होंगी बनाने के लिए, ठीक है ना, कुछ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, कुछ रिसोर्सेज होंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लीजिए हमारे पास एक स्टील की कंपनी है, ठीक है ना, स्टील कंपनी को चलाने के लिए हमें कुछ एसेट की आवश्यकता पड़ती है, एसेट लाइक मशीन की जरूरत पड़ेगी, हमारे को एक पूरी जगह लेनी पड़ेगी जिसके अंदर अपना पूरा प्लांट लगाएंगे, तीसरा हमारे को वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर को रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे सारी कैलकुलेशन वगैरह निकल सके। तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एसेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू रिसिप्ट भारत को प्राप्त वो पैसा होता है जो पैसा भारत के पास बिना अपनी एसेट को बेचे आ जाता है, एसेट समझ गए ना आप लोग। जैसे कि मान लीजिए मैं कोचिंग चलाता हूँ, और आसान तरीके समझाता हूँ, तो मेरा एसेट क्या हुआ इसके अंदर, एसेट मतलब मेरा बोर्ड एसेट हो गया,
मार्कर एसेट हो गया, जिस जगह में पढ़ा रहा हूँ अगर वो जगह मेरी है तो भूमि मेरा एसेट हो गई, ठीक है ना। पैरेलल में मैं और की कोचिंग चला रहा हूँ और कहीं पे, ठीक है ना, मैं अपनी चलाई चला रहा हूँ, मैंने उसकी ब्रांच और वो लगी है, तो वो भी मेरी क्या होगी, वो भी मेरी एसेट हो गई। तो इन्हें हम कहते हैं एसेट। तो सरकार के पास अगर बिना अपनी एसेट बेचे हुए गवर्नमेंट अपनी कोई कंपनी बेचे ही ना, गवर्नमेंट अपना गोल्ड बेचे ही ना, गवर्नमेंट अपना कोई किसी कंपनी का शेयर ही जारी ना करे, तो इस तरीके से बिना अगर एसेट बेचे हुए दोस्तों गवर्नमेंट को कमाई हो जाए, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे दो प्रकार से पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो आता है टैक्स से, ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स से आता है पैसा, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा इनकम टैक्स, तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है, ठीक है। तो एक तो टैक्स से पैसा आना, दूसरा नॉन टैक्स से पैसा आना। अब टैक्स में भी दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है भारत सरकार जो है ऐसे पैसों को खर्च करे जिससे उसको अपनी एसेट को ना बेचना पड़े, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कैपिटल बजट की। यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये छोड़ दिए हैं, आगे समझाऊंगा। कैपिटल शिफ्ट, सरकार के पास अगर कोई पैसा आए और इस तरीके से आए जिससे उसको अपनी एसेट बेचनी पड़े, जैसे कि आपने देखा होगा भारत के समय पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपनी भारत बेच रहा है, ठीक है ना, उनकी जो शेयर है वो बेच रहा है, तो उससे हो क्या रहा है, भारत के एसेट जो हैं उनमें क्या आ रही है, कमी आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, उनमें कमी आ रही है। तो हम इसे किस में डालेंगे, कैपिटल शिफ्ट में। पैसा तो आ रहा है लेकिन आ कैसे रहा है, रिसिप्ट को आ कैसे रहा है, एसेट को बेच के। कैपिटल रेवेन्यू शिफ्ट क्या है, एक ऐसे शिफ्ट जिसमें सरकार के पास पैसा कैसे आएगा, बिना कुछ भी बेचे बाचे, ठीक है। लेकिन यहाँ कैसे पैसा आ रहा है, बेच के या फिर बोरोइंग करके, IMF से लोन लेके, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार कर रही है लेकिन उसको करने के लिए अपने उसे किसी भी दोस्तों एसेट को बेचने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या आता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको करने के लिए गवर्नमेंट को चवन्नी नहीं खर्च, अपना चवन्नी पैसे का भी अपना एसेट नहीं बेचना पड़ रहा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको बेचने के लिए गवर्नमेंट को अपना दोस्तों एसेट बेचना पड़ता है, ओके। तो आई होप आपको ये छोटा सा चार्ट समझ में आया होगा। आगे चलिए, इस चार्ट को मैं और भी बेहतरीन तरीके समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो देखना आगे, हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो मैंने आपको समझाया रेवेन्यू रिसिप्ट आर रिसिप्ट विच डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट द मनी अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है जो मैंने आपको पीछे बता दी कि रेवेन्यू रिसिप्ट भारत सरकार की वो कमाई होती है जिस कमाई को भारत को करने के लिए किसी प्रकार की अपनी एसेट को बेचना नहीं पड़ता है। और इसमें दो ही चीजें आती हैं, टैक्स से और नॉन टैक्स से। टैक्स डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। जब मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इनके बारे में। टैक्स डायरेक्ट वो टैक्स होते हैं जो कि दोस्तों जिस पर लगते हैं वही देता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिस पर लगता है वो नहीं देता है, ठीक है, बल्कि तीसरी पार्टी देती है। इनके बारे में आपको गहराई समझाऊंगा, अभी आप बस इतने याद रखो, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इससे भारत सरकार पर बहुत मोटा पैसा आता है। तो टैक्स में यहाँ वर्ड है टैक्स, टैक्स को हमने दो पॉइंट डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इससे भारत सरकार के पास एक अच्छी राशि आ जाती है। फिर है नॉन डायरेक्ट टैक्स। अब नॉन टैक्स कैसा होता है, नॉन टैक्स ऐसा, तो देखिए भारत ने कोई भी किसी कंपनी के शेयर लिए मान लीजिए, ठीक है, अब उस शेयर से उसे मिल गया मुनाफा, तो ये आपका कहाँ पर आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में। अब ये जो मुनाफा है, भारत पर जो पैसा आया है, कोई उसने रिसिप्ट थोड़ी ना बेची अपनी, किसी भी रिसिप्ट को बेच के नहीं आया, बल्कि उसने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर खरीदे। अब जब शेयर खरीदे तो कल को शेयर महंगे हो गए, ठीक है ना, या फिर जो शेयर खरीदे थे उसका दोस्तों इंटरेस्ट आ गया, और 5 साल के बाद जब शेयर मैच्योर हो गए तो उसका दोस्तों जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी आ गया। अब यहाँ पे भारत सरकार ने कोई प्रॉफिट किया तो उससे भी हजारों पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला। हमने मान लीजिए श्रीलंका को 2 लाख करोड़ रुपए दे रखे हैं, अब श्रीलंका उससे हमारे को भैया इंटरेस्ट भी तो भेजता रहेगा उस पर 2 लाख करोड़ रुपए, जो भी इंटरेस्ट 2%, 1%, 0.5% जितना भी इंटरेस्ट है, श्रीलंका हमें क्या करेगा, उस पर दोस्तों इंटरेस्ट देता रहेगा, ओके। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये जितने भी नॉन टैक्स वाले तरीके हैं, सरकार के पास इनसे ही पैसा आता है इसमें, और टैक्स के माध्यम से ही पैसा आता है। तो आप याद रखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट वह पैसा है सरकार के पास जो सरकार ने बिना लायबिलिटीज, बिना किसी एसेट को बेचे हुए लिए हैं, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के पैसे आते हैं, टैक्स से और दोस्तों नॉन टैक्स। एक बार मैं आपको पीछे डायग्राम दिखा,
देना चाहता हूँ, इससे क्लियर और हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, रिवेन्यू रिसिप्ट, तो यहाँ पे दो प्रकार से पैसे, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स रिवेन्यू डिविडेंड से आ गया, या फिर इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया, या किसी ने हमारा लोन पूरा रीपे कर दिया। तो इस तरीके के जो पैसा भारत को मिलता है उसको हम डालते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू में। ठीक है, चलो अब समय हो चुका आगे बढ़ने का, तो अब समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको दोस्तों खर्च करने के लिए, जिस खर्चे को खर्च करने के लिए सरकार के लिए कतई अपनी एसेट को बेचने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि आर्मी के लिए पैसा देना, जैसे कि दोस्तों जो टीचर वगैरह होते हैं उनके लिए दोस्तों पैसा देना, ठीक है ना, पेंशन देना, या फिर जो रिटायर होगा उन्हें पेंशन देना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आईएएस को पैसा देना, आईबीएस को पैसा देना, ठीक है, या इंटरेस्ट की पेमेंट करना। हमने मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से रुपया ले रखा है 2 लाख करोड़ रुपए, तो हमें भी तो उसका इंटरेस्ट देना है। श्रीलंका ने हमसे पैसा लिया था तो श्रीलंका हमें इंटरेस्ट दे रहा है, और हमने किसी दूसरे देश से पैसा रखा अगर हमने दोस्तों ले रखा है तो सीधी सी बात है भैया हमें भी उसको देना पड़ेगा। तो उसको डालते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके चलो आगे चलेंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। कहते हैं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे जैसे चाहें वैसे पूछ लीजिए, ठीक है, कहते हैं कोई टेंशन मत लो। अब आता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट भारत सरकार की वो कमाइयाँ होती हैं जो भारत सरकार को करने के लिए दोस्तों अपनी जगह जमीन यानी कि जो PSUs होते हैं, जो कंपनी होती हैं, उसकी जो और भी एसेट्स होती हैं उनको बेचना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो भारत सरकार इस समय क्या कर रही है, अपनी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के शेयर बेच रही है ना। अब जब बेच रही है तो उससे क्या उसके जो एसेट्स हैं उनमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, 500% फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना, उसके एसेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन उसके पास बड़ी बात क्या है कि पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है उसके पास? पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे पैसा आ कैसे रहा है? आपने रेवेन्यू शिफ्ट में देखा भारत सरकार के पास पैसा आ रहा है लेकिन उसको कुछ बेचना नहीं पड़ रहा अपना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, भारत सरकार के पास पैसा आता है लेकिन उसको उसके एवेज में बेचना पड़ता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया मनी अर्नड बाय सेलिंग एसेट्स, और दूसरा है मनी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द स्टेट। दूसरा क्या है कि आपने किसी से उधार ले लिया तो वो, ठीक है ना, द मनी शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, आपने वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, आपने किसी दूसरे देश से उधार ले लिया, तो ये आपका किसके अंदर आया? कैपिटल शिफ्ट में। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने ऐसा एक्सपेंडिचर किया दोस्तों जो आपने अपनी एसेट को बेच किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूज टू क्रिएट एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो भारत सरकार करती है लेकिन उसको करने के लिए उसको दोस्तों अपने कुछ एसेट्स को बेचना पड़ता है। ओके, आप बेचेगी नहीं तो साफ सीधी बात है पैसा कहाँ से लेके आएगी? अब पैसा जब नहीं होगा तो जितनी उसको स्कीम चलानी है वो कहाँ से चलाएगी? अगर नहीं चलाएगी तो लोग उसको अगले 5 साल के बाद जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें वोट कैसे करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट क्रिएटिंग एसेट्स सच एज रोड्स एंड हॉस्पिटल्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो दोस्तों खर्च किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा एसेट को बनाने के लिए, ठीक है। और कैपिटल शिफ्ट एक ऐसा रिसिप्ट, एक ऐसा भारत के पास रुपया आए जिसको रुपया पाने के लिए भारत सरकार क्या करे, अपने कुछ एसेट्स को बेच दे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार करे लेकिन कुछ एसेट को डेवलप करने के लिए करे, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि रोड। भारत सरकार यह पैसा खर्च करती है, किस लिए करती है? जिससे कि वो अपने एसेट्स बना सके। मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन टू स्टेट और रीपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग। भारत सरकार क्या करे, जहाँ से पैसा लेकर आई है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर आई है, तो उसको जाके लौटाए, ठीक है ना, जिससे उसके लाइबिलिटीज कम हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर में ये आ गया कि जो लोन्स हैं वो उसको स्टेट जो है उसका जो स्टेट का लोन जिनने ले रखा है जिसका उसको वो लौटाए। जैसे जापान का लोन ले रखा है तो जापान को लौटाए, अमेरिका का ले रखा है तो अमेरिका को लौटाए, सही है ना। तो इस तरीके से इस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें भारत सरकार क्या करती है, अपने एसेट्स को बढ़ाती है या फिर अपनी लाइबिलिटी को कम करती है, सही है, एसेट को बढ़ाएगी या फिर लाइबिलिटी को अपने कम करेगी, सही है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दी, तो आपने क्या किया, अपने एसेट को क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर आपने किसी देश से पैसा लेकर आए थे उसको आपने लौटा दिया, तो इससे आपने क्या किया, अपनी जो लायबिलिटी थी, देनदारी थी, उसे आपने कम कर दिया, सही है। चलो अगला हम आपको लेके चलेंगे, यहां तक तो हमारी आपसे बात हो गई। अगला हम आपको लेके चलेंगे दोस्तों, और ये होगा टैक्स रेवेन्यू। देखिए टैक्स रेवेन्यू आपको पता है
किसी भी देश के डेवलप करने के लिए उन देश के नागरिकों को भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब ये जो टैक्स होता है दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है देखिए आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ समझाता हूँ। जैसे कॉरपोरेशन टैक्स है, कंपनियाँ टैक्स देती हैं भारत सरकार के लिए, तो कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, इसलिए कौन देता है उन्हें, कंपनियाँ ही देती हैं, ठीक है ना। मतलब जिस पे लगाया जाए अगर टैक्स वही दे तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, लेकिन जिस पे टैक्स लगाया जाए वो ना दे थर्ड पार्टी दे तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप लोग जाते हो होटल्स में, ठीक है ना, आप लोग पिज्जा खाते हो, पिज्जे के ऊपर लिखा होता है इतना CGST है, इतना इस पर जो है वो इतना CGST है सेंटर का टैक्स है और इतना SGST है इतना स्टेट का टैक्स है इसके ऊपर। तो वो जो है आप जैसे कि गवर्नमेंट ने कौन कंपनी से कहा, पिज्जा बर्गर वाली कंपनी से कहा कि आप लाइए, आप हमारे भारत सरकार में आप हमारे देश में सर्विस दे रहे हैं और जो सर्विस देता है उस पर हम टैक्स लगाते हैं, लाइए हमें भाई पैसे दीजिए टैक्स दीजिए। लेकिन जो टैक्स है जो इनको देना था वो इन्होंने डाल दिया हमारे ऊपर, ठीक है ना, तो हमारे पिज्जा पर टैक्स लगा दिया, हमारे बर्गर पर टैक्स लगा दिया, तो वो डायरेक्टली देना चाहिए कंपनी के लिए कि गवर्नमेंट लगा उनके ऊपर रही, लेकिन उस लोन को दे कौन, उसको टैक्स को दे कौन रहा है, उसको दे रहे हैं आप और हम लोग, सही है। इसलिए आपने देखा होगा जब पिज्जा बर्गर या फिर माचिस वगैरह को लेते हैं या फिर कोई कुछ भी आप लोग खाने का आइटम तो उस पर लिखा होता है ऑल टैक्स इंक्लूडेड, ठीक है, इतना CGST है इतना SGST है, ओके। तो यहाँ पे सेंटर का इतना टैक्स है, गवर्नमेंट और स्टेट का इतना टैक्स है, तो यहाँ पे मतलब नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिस पे लगे वो उसको देना, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात किया तो कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स, ट्रांसफर टैक्स, वेल्थ टैक्स, क्रिप्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, तो ये इतने सारे टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स मतलब भाई कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब हिंदी रही टैक्सों की, ठीक है, तो हिंदी वाले भैया टेंशन ना लें, निगम कर, आयकर, प्रतिभूति कर और लेन देन कर, धन उपहार कर, ठीक है, तो ये सारे इतने टैक्सेस होते हैं। फिर अगला टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि दोस्तों जिस पर लगाया जाए वो देना तीसरी पार्टी दे, तो कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट टैक्स। अभी आप चिंता मत करिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे टैक्स पढ़ाऊंगा। अगला चलते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू में, ये मैंने आपको बता दिया, सरकार के पास पैसा आए, इंटरेस्ट रिसीव, अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देश को पैसा दे रखा है, ओके, जैसे श्रीलंका को दिया, चाइना, किसको भी दिया, चाइना को तो हम नहीं दे पाएंगे सॉरी, लेकिन हाँ हम नेपाल को दे सकते हैं, भूटान को दे सकते हैं, तो हमने देशों को पैसा दिया तो ये हमारे को इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, सही है, तो उसको हम लोग ये जो पैसा मिल रहा है इसको रखते हैं हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर में। डिविडेंड, हमने भैया किसी कंपनी के शेयर खरीदे, शेयर हमें पैसा कमा के दे रहे हैं, शेयर पर बहुत अच्छा हमारे को इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसे कहेंगे डिविडेंड। ग्रांट, हमें किसी देश ने कहा लो भैया ग्रांट ले लो, ग्रांट समझते हो ना, अनुदान ले लो भैया, अमेरिका ने कहा इंडिया तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे यहाँ कोरोना चल रहा है, ऑल्दो चल तो हमारे यहाँ भी रहा है, लेकिन हमारे पास पैसा, आपके पास पैसा नहीं है, लीजिए हम आपको ये पैसा देते हैं, अगर आप पे हो तो आप हमें लौटा देना, अदरवाइज कोई बात नहीं, तो हम आपको ग्रांट के रूप में दे देते हैं, हम आपसे मांगेंगे ही नहीं, चाहिए। फाइन, हमने किसी चीज किसी कंपनी पर फाइन लगा दिया, हमने कहा एयरटेल तुम भैया गलती कर रहे हो, तो हमारे देश की जो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हमारे देश के जो कस्टमर्स हैं उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तुम उसे दोस्तों तुम बेच रहे हो, उसे जाके USA में तुम बेच रहे हो, चाइना में जाके, तो लो तुम पर हम 1 करोड़ का फाइन लगाते हैं, सही है, तो ये भी कहां पर आएगा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब हम लोग अगला चलते हैं दोस्तों डेफिसिट में। देखो डेफिसिट जो शब्द है ना उससे भारत का बहुत ही गहरा नाता है, हमारे यहाँ का भैया कभी ही रहा होगा मुझे नहीं याद है, एक दो बार छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं याद आता कि हमारा कभी बजट दोस्तों सरप्लस में गया हो, हमने जितनी डेफिसिट समझते हो ना आप लोग, जितनी हमने कमाई करी उससे हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, ऐसे कहते हैं हम लोग घाटा, क्या बोलते हैं हम लोग उसे, घाटा, सही है, इसको बोलते हैं घाटा, हमें प्राप्त हुआ 100 रुपये, हमने खर्च कर दिया 120, तो 20 रुपये का हमें क्या हुआ घाटा। भारत की सरकार जो होती है दोस्तों उसका जो वो है बजट है उसमें दोस्तों हर साल हमें कुछ ना कुछ घाटा देखने को मिलता है, हालांकि FRBM एक्ट आ रखा है 2002 का, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि भारत सरकार को अपना जो डेफिसिट है, जो बजटरी डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, इसे कम करना है, ओके, समझ रहे मेरी बात। तो चलो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट किससे कहते हैं, देखिए भैया रेवेन्यू आपको मैं समझाया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब भारत सरकार के पास पैसा आए बिना किसी लायबिलिटी, बिना किसी एसेट को बेचे, उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर भारत सरकार के पास मान लीजिए बिना किसी एसेट को बेचे, भारत सरकार के पास आता है 100 रुपया, लेकिन वह पेंशन देने में, ठीक है ना, वह दोस्तों आपका पेंशन देने में, वह आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को पैसे देने में,
जो आया है रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा, उससे अगर ज़्यादा खर्च कर देती है तो ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट। और कितना रेवेन्यू डेफिसिट होगा दोस्तों? -20। ठीक है, माइनस इंडिकेट कर रहा भैया तुम्हें घाटा हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको रेवेन्यू में आपने कितना खर्च कर डाला और आपको कितना मिला, मिला देखो माइनस में, रेवेन्यू इनकम किसमें? माइनस में है, तो इसे कहेंगे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। एक लाइन में समझो, भारत सरकार के पास अगर बिना किसी एसेट को बेचे, भारत सरकार के पास अगर 100 रुपये आए और भारत सरकार बिना किसी एसेट को बेचे 120 रुपये खर्च कर दे, ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट। यानी जितना मिला उससे ज़्यादा आपने खर्च कर दिया। फिजिकल डेफिसिट क्या है? देखो बजटरी डेफिसिट, पहले आप देखो बजट में आपको कितना घाटा हुआ, टोटल बजट में आप देखो, बजट में यानी कि आप अपने दोनों कंपोनेंट ऐड कर लो, रेवेन्यू वाला भी और दोस्तों कैपिटल वाला भी, ठीक है, दोनों कंपोनेंट आप ऐड कर लो और दोनों को आप लगाओ आपको कितना घाटा हुआ, कैपिटल में आपको कितना घाटा हुआ और रेवेन्यू में आपको कितना घाटा हुआ। अब यहाँ पर हम लोग कैपिटल डेफिसिट भी कह सकते हैं, कैपिटल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट की तरह फॉर्मूला बना लीजिए। कैपिटल डेफिसिट का भी क्या होगा? कैपिटल डेफिसिट इक्वल टू कैपिसिट कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल इनकम। तो कैपिटल का और रेवेन्यू का अगर हम लोग दोनों का घाटा जोड़ लें, सही है, तो वो कहलाएगा आपका बजटरी डेफिसिट, ठीक है। और उसको हम लोग ऐड कर दें कि भारत सरकार ने कितनी बोरोइंग करी, ठीक है, भारत सरकार विदेशों से कितना पैसा लेकर आई, भारत सरकार की जो GDP है ना उससे 50% तो भारत सरकार पर भैया लोन है, समझ रहे हो, और वो भी देसी लोन नहीं है, शुद्ध विदेशी लोन है। अगर देसी होता ना तो जो हमसे मांगता हम उसे डाल देते जेल के अंदर, लेकिन विदेश का क्या करो वो तो भैया देना पड़ेगा। ओके, चलो आई थिंक ये लास्ट था, चलो मैं इसके बाद लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू।